প্রিয় মাতা পিতা এবং বানো চলিয়ে আপনি মন মে আজ কে ইস পবিত্র বিষয় মে জো কুছ মতলব চড়ানা চাহতে হ্যায় বিশেষ করকে हमारे देश दुनिया के लिए जो कि कोरोना वायरस के माध्यम से आतंकित है, हम प्रार्थना करेंगे सभी नेतागण, प्रशासन, सभी देशवासी अपने अपने कर्तव्य भलीभांति निभाकर इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें मदद करें। इस मतलब के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचार्य अब सबों के साथ हो। में है और आज कहे पुण्य सप्ताह का आखिरी है, फिर काल परसों और शनिवार त्रिधूम कहते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त का विशेष यादगार तीन दिन हम करते हैं और आज के पाठ के माध्यम से प्रभु हमें ही कहना चाहते हैं कि हम किस तरह के शिष्य बनेंगे। पहला पाठ नबी सयास अपने को कहता है कि ईश्वर ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है और अपना शिष्य होने का गर्व करता है और उसका पालन करता है। लेकिन सुसमाचार में हम पाते हैं जहां के एक शिष्य उनके साथ था, एक ही थाली से खाता पीता था, तो भी वो अपना कर्तव्य भले भांति नहीं निभाता है। वो अपने गुरु, अपने प्रभु का दगवाज करता है, धोखा देता है। और इसलिए आज के दोनों पाठ में दो शिष्य के बारे में आप सुनेंगे। एक शिष्य जो कि आपने शिष्यगिरी का कहपुन निभाते हैं और दूसरा जो कि आपने शिष्य होने के नाते भी वो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। चलिए हम प्रार्थना करेंगे और मनन चिंतन करेंगे आज के इस दोनों पाठ के द्वारा कि हम किस तरह के शिष्य बनना चाहते हैं। जरूर हम मनो कमजोर हैं, हर प्रकार के पाप और दुर्बलता के कारण हम प्रभु से दूर चले आते हैं। अपने शिष्यता का भार नहीं निभाते हैं अच्छा तरह से। चलिए अपने सभी पाप और दुर्बलता के लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोले हे भाई कि आप मेरे लिए
साधे हुए क्रूस पर मरे, जिसे तू हमें शत्रुओं के अधिकार से छुड़ा सके। अपने सेवक सेविकाओं को यह कृपा प्रदान कर कि हम पुनरुत्थान के महिमा प्राप्त करें। उरे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्राइस्ट के द्वारा जो ईश्वरों का नजर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयोजित राज्य करते पद संख्या है 4 से लेकर 9 तक। पाठ का मूल वाक्य, मैंने अपमान करने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभल सकूं। वह प्रतिदिन प्रतः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मरने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी मोसने वालों के सामने अपना गल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों के सामने अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूं कि आंत में मुझे नीरस नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें, मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय जोस हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम। तूने ही हमारे पापियों से सहानुभूति दिखाई है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 26 वचन 14 से 25। 12 में से एक जो जूदा इस्करियोती कहलाता था महायाजकों के पास गया और उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने का तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदास यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहां आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, सहार में अमु के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं मेरा समय निकट आ गया है, मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहां पास्का का भोजन करूंगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या होने पर यीशु बारह शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा।
मरा पुत्र तो चला जाता है जैसे कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कर उस मनुष्य को जो मरा पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदास ने भी उनसे पूछा, गुरुवर कहीं वह मैं तो नहीं हूं? यीशु ने उससे उत्तर दिया, या तुमने ठीक कहा। या प्रभु का सुसमाचार है। इसमें मेरे सभी इस विश्वास से माता पिता भाई बहन वालों, अपमान सहना मानव जीवन के लिए सबसे अच्छा एक गुण है, लेकिन अपमानित होना हम नहीं चाहते हैं। आज नबी इसायास अपने जीवन में कहते हैं, जो कि ईश्वर ने उन्हें शिष्य बनाया और बनाकर उन्हें शक्ति और क्षमता दी है, और इसलिए कहते हैं, मैं ना किसी को विरोध किया ना पीछे हटा, जो भी मुझे अपमान करना चाहते थे मैं दृढ़ता से उसे ग्रहण करने को तैयार था, क्योंकि मैं अपना हृदय पत्थर की तरह कठोर बना दिया। लेकिन दूसरी ओर हम पाते हैं यूदास, जो कि उनके साथ हमेशा रहता था, खाता पीता था, अपने स्वयं प्रभु यीशु को अपमानित करता है, दगवास करता है, धोखा देता है। एक और एक शिष्य अपमान सहने को तैयार है, दूसरे और एक शिष्य अपमान करने को तैयार है, और इसलिए प्रभु के साथ सौदा करता है। और इसलिए इसमें दो बात होता है, हम साधारण में कहते हैं गिव एंड टेक, और प्रभु को सौदा करता है, कहता है यदि मैं प्रभु को पकड़वा दूंगा तो मुझे क्या दोगे, यदि मैं तुम्हें ये दूंगा तो मुझे क्या दोगे उसके बदले में, और इससे अपमान प्रभु के लिए क्या हो सकता है। और इसलिए हम अपने जीवन में अपमान निध होना नहीं चाहते हैं, और इसलिए आज के सुसमाचार और पाठ के माध्यम से हमें तो ये कहना चाहते हैं कि हमें इस प्रकार के जीवन से दूर रहना है। यूदास इस्करियोती जो कि अपने जीवन में प्रभु से सौदा करता है, इसलिए क्योंकि वह अपने जीवन में लोभ ललाश का जीवन बिता रहा था। इसके आगे भी जब प्रभु यीशु क्राइस्ट के नाम में लाजरस मरियम मार्था के घर में भोज देते हैं, तो वह मरियम ने सुगंधित तेल लाकर प्रभु के चरणों धोती है। उस समय में यूदास कहता है कि इस इत्र तेल को बेचकर गरीबों को दे देना चाहिए था, और प्रभु कहता है कि, और वचन भी कहता है कि यूदास ने इस तरह वचन देने का कारण यह है कि वो गरीबों को कहें सहायता देने के लिए नहीं, उनके लिए चिंता करने के नहीं, लेकिन जो जोर था उसलिए इस प्रकार का वचन देता है। आज भी प्रभु के साथ दगवास करता है क्योंकि उनके मन में एक प्रकार के लोभ था, लेकिन प्रभु आज उन्हें कड़ी चेतावनी देते हैं, मैं तो चला जाऊंगा लेकिन धिकार उस मनुष्य को जो कि पैदा ही नहीं हुआ होता। इतना बड़ा कहें सभी जरूर
के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उससे बढ़कर भी अपने ईश्वर को धोखा देना उससे भी महान गलती है। इसलिए चलिए आज हम प्रार्थना करेंगे और मनन चिंतन करेंगे कि किस भांति हम अपने जीवन में जी रहे हैं, कि हम इसी तरह के सौदा करते हैं दूसरों के साथ लुभ लालच के लिए, जिसके साथ हम रहते हैं खाते पीते हैं उसी के साथ हम अपने जीवन में सौदा करते हैं। यदि इसे है तो हम अपने जीवन को बदलाएं, अपना सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित करें और एक अच्छे शिष्य बने जो कि सब कुछ सहने को तैयार है, अपमानित होना, मार खाना और घृणित होना सबके लिए तैयार है। नबी ईसा अपने वचन में हमें कहता है और इसलिए एक सुयोग्य सेवक बनकर हमेशा प्रभु के चरणों में लिपटाकर उनका सेवा सत्कार करना हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए चलिए आज हम नबी सयास के जीवन को अपनाए और एक अच्छे शिष्य बने और अपना जिम्मेदारी माली माते संपन्न करते हुए जीवन में हर प्रकार के लोभ लालच हैं, आगुर हैं, सबको हम त्याग कर प्रभु के चरणों में लीन रहें। आमीन। समाता है और स्वाद के समय
माँ दुर्गा तेरे सुधि गते हुए निरंतर विश्वास से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु यीशु मंदिर के परमेश्वर स्वर्ग अपनी मिली तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू हमारे अपने अपमान के जल पर से बचा कर दे कि हमारे को यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु से छाछ में तू क्लेशों पे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और खाओ यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। शिवादी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसे लो और पियो यह मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत स्नान करक जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जिए, क्रिस्त महिमा के साथ फिराए। हे परमपिता यज्ञवान कर हम अपने प्रभु की वृद्धि अपनोदान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपासित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ग्रीस का शरीर तथा रक्षण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एक दल के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस हमारे धर्माध्यक्ष किशोर कुमार गुजराल फिलों तथा अन्य सभी धर्माध्यक्षों सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपने सुधीले तथा इस प्रेम में स्थित बना दे। हे प्रभु हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्या कुमारी मरियम प्रेरितगण संजो से तथा अन्य सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक सभी कायम बने रहे तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर का महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन। चलिए हम तो के साथ जितना भी निवेदन है जितना भी आवश्यकताएं हैं जो हमें प्रार्थना करने के लिए आग्रह किया है सभी जरूरत और निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना को कहें जो हमें प्रभु यीशु क्राइस्ट ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे तेरा राज्य आवे तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे सुखी आयु भी होए। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु हमें बचा ले। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरे दया से सदा पाप से दूर
और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्राइस्ट फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु क्राइस्ट तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर ध्यान दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता और राज्य करता है आमेन। जो की शांति सदा प्रभु के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी हम परस्पर शांति और वादन करें। हे ईश्वर के हमने संसार के भाव लेता है हम दया कर हे ईश्वर के हमने संसार के पाप लेता है हम दया कर हे ईश्वर के हमने संसार के पाप लेता है हमें शांति प्रदान कर। प्रिय भाइयों बहनों देखिए प्रभु यीशु क्राइस्ट ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य आज हम जो प्रभु को उसी पवित्र बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं शरीर नहीं हूँ क्या मेरा आवे इसे सारे आप मेरी आत्मा चुकी हो जाएगी। क्राइस्ट का शरीर तो तरह तरह जीवन के लिए हमारे रक्षा भाई एवं बहनों अभी पवित्र परम प्रसाद का वितरण है। यद्यपि हम पवित्र विश्व में शारीरिक औषधि भाग नहीं लिए हुए हैं तो भी आध्यात्मिक रूप से पूर्ण भाग लिए हैं। चले हम पवित्र संस्कार की भेंट के समय आत्मिक परम प्रसाद की दहन करें। सब कोई मेरे पूछे दोहराएंगे महिमा प्रणाम यीशु मैं तुझसे भेंट करने आया हूं मैं सारे हृदय से विश्वास करता हूं कि तू वेदी के पवित्र संस्कार में उपस्थित है। मैं तुझसे अधिक प्यार करता हूं मैं अपने आत्मा में तुझे ग्रहण करना चाहता था पर हे यीशु मैं अभी परमप्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हूं। हे यीशु आत्मिक वृद्धि से मेरे हृदय में आ या मेरी अभिलाषा है। हे यीशु मैं तेरी आराधना करता हूं मुझे तुझसे अलग होने ना दे आमेन। हम कोरोना वायरस के विपत्ति से रक्षा पाने के लिए हिंदी में जो
हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, जो सर्वत्र सारी सृष्टि को प्रेम दिखाया है, दया करके हमारी प्रार्थना सुन, जो कि हम दुनिया के अभिन्न भागों में करुणा उदाहरणों से पीड़ित लोगों के लिए कर रहे हैं। हम तेरे पास क्षमा मांगते हुए आते हैं कि जो दुर्भाग्य आई है उस पर नियंत्रण पा सके, कि जो प्रभावित है उनकी चंगाई हो सके, कि वो पीड़ित है और उनके परिवारों के लिए हम गवेषणा करते के लिए प्रार्थना करते हैं, कि रोग का सामना करने के लिए एक प्रभावशाली टीका जल्द से मिल सके। भारत सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों की चंगाई के लिए उपयुक्त कदम उठा सके। हमारे प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। मानव पुत्र अपने सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, या संस्कार पुत्र की मृत्यु की घोषणा करता है, हम दृढ़ विश्वास करें कि तूने उसे मृत्यु के द्वार हमें आनंद जीवन प्रदान किया है। हम यह मांगते अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आने वाला काल बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इसलिए आने वाला काल सुबह मिस्सा नहीं है। शाम को 6 बजे पत्र मिस्सा होगी और उसका प्रसारण YouTube में दी जाएगी, और इसलिए सभी विश्वासी माता पिता से आग्रह है कि यही 3 दिन कहें, विशेष करके काल शाम 6 बजे हम अपने घरों में रहकर पवित्र मिस्सा में लोगों के साथ जुड़े रहें और अपने लिए आध्यात्मिक लाभ उठाएं। धन्यवाद। चलिए सबको सिर झुकाए और प्रभु की आशीष प्राप्त करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।